हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंशुमन शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एरिना। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस एंड आईवी कैनुलेशन। आज हम इस क्लास में आईवी कैनुलेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच इज एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ओके, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास टाइप ऑफ सॉल्यूशन से। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन से होंगे, तो देख लेते हैं। एक लिस्ट आपके सामने शो हो रही है। तो फर्स्ट है हमारा आइसोट्रॉनिक सॉल्यूशन, हाइपोट्रॉनिक सॉल्यूशन, हाइपरट्रॉनिक सॉल्यूशन और कोलोइड सॉल्यूशंस। ओके, ये चार टाइप के सॉल्यूशंस आज हम पढ़ेंगे और इनसे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। तो ये सॉल्यूशंस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूं ताकि आपको आगे के लेक्चर समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला टर्म हम लेंगे सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन बना होता है दो कंपोनेंट से, फर्स्ट होता है सॉल्यूट एंड सेकंड होता है सॉल्वेंट। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। तो आपने एक ग्लास में वाटर लिया है और दो चम्मच नमक लिए हैं, आपने उसको घोल दिया, तो आपने क्या बनाया, नमक के घोल का पानी है। ओके, तो इसमें जो सॉल्वेंट है वो तो हो गया वाटर और सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हो गए वो हो गए नमक। तो यहां आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्मोलैलिटी की। ओके, टर्म्स आपके सामने शो हो रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए। तो सेकेंड बात हम करते हैं ऑस्मोलैलिटी की। ऑस्मोलैलिटी क्या होती है? तो इट इज द कंसंट्रेशन, कि एक फ्लूइड का कंसंट्रेशन क्या होता है, जिस तरह उसका कंसंट्रेशन है वो उसकी ऑस्मोलैलिटी है। ओके, तो जैसे कि एक ग्लास में आपने वाटर लिया, उसमें आपने चार चम्मच नमक डाला और एक दूसरा ग्लास लिया उतना ही अमाउंट में और उसमें भी आपने क्या क्या किया, दो चम्मच नमक डाला। तो जो ज्यादा नमक वाला है, जो जिसमें चार चम्मच नमक डाले हैं आपने, तो वो हो गया उसकी ऑस्मोलैलिटी ज्यादा होगी, और इसकी ऑस्मोलैलिटी जिसमें दो चम्मच डाले हैं उसकी कम होगी। क्यों? क्योंकि वो कंसंट्रेट है और इसका कंसंट्रेशन कम है। तो ऑस्मोलैलिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन। ओके, कि उसका कंसंट्रेशन कितना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑस्मोसिस की। थर्ड टर्म है हमारा ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, ध्यान से सुनिए, मूवमेंट ऑफ फ्लूड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का या फ्लूड का ट्रांसपोर्टेशन, इट मींस मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, दिस इज ऑस्मोसिस। क्या होता है? ऑस्मोसिस। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा क्लास। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं, स्क्रीन पे देखिए, हैव द सेम ऑस्मोलैलिटी एज बॉडी फ्लूइड। इसका ऑस्मोलैलिटी, इट मींस इसका जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी फ्लूइड के इक्वल में होता है, इसलिए वॉटर का किसी टाइप का एक्सचेंज या मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। ना सेल से वॉटर बाहर आता है, ना सेल के अंदर वॉटर एंटर करता है। Do not enter the cell because no osmotic force exists to shift the fluid. Osmotic pressure बराबर होता है, या ऐसा कहें कि osmolality बराबर होती है body fluid और isotonic solutions की। Okay, तो इनको किस में use में लेते हैं? Increase extracellular fluid volume. Extracellular fluid volume को expand करना या increase करने में हम use लेते हैं, जैसा कि in the case of dehydration, इसका एक बहुत अच्छा example है। तो नेक्स्ट आपको जो इमेज शो हो रही है, ये है
आइसोटॉनिक सॉल्यूशन 0.9% इसमें सोडियम है। ओके ये तो नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहां हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये क्या होता है पहले इसको समझ लेंगे कि एक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि चीनी का घोल लेते हैं, चीनी का घोल लेते हैं जिसमें चीनी क्या हो गई सॉल्यूट हो गई और उसमें वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया। ओके तो आपने दो ग्लास पानी लिया जिनमें दोनों में 100 ml वाटर है, उसमें एक में आपने 4 चम्मच शक्कर डाला, एक में आपने 2 चम्मच शक्कर डाला। अगर जो 4 चम्मच शक्कर वाला जो सॉल्यूशन है वो होगा हाइपरटोनिक और जिसमें आपने 2 चम्मच शक्कर डाले हैं वो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके अगर दोनों का कंपेयर करेंगे तो हाइपरटोनिक कौन सा होगा 4 चम्मच वाला और हाइपोटोनिक कौन सा होगा 2 चम्मच वाला, 2 स्पून्स वाला। ओके तो आपको हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक समझ में आ गया कि जिसकी सांद्रता ज्यादा है इटमीन जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो होगा हाइपरटोनिक और जिसका कंसंट्रेशन कम है वो होगा हाइपोटोनिक। ठीक है तो आइए पढ़ते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आर मोर डाइल्यूएंट सॉल्यूशन एंड हैव अ लोअर ऑस्मोलैरिटी देन बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड के वनस्पति इनकी ऑस्मोलैरिटी इट मींस कंसंट्रेशन कम होता है। तो ये देखते हैं इससे होता क्या है। कॉजेस द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल बाय ऑस्मोसिस। वाटर सेल के अंदर एंटर हो जाता है जब इनको एडमिनिस्टर किया जाता है, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि सेल में वाटर एंटर कर जाता है। सेल में वाटर एंटर क्यों करता है ये देखते हैं, वो क्या प्रोसेस होती है, वो होती है ऑस्मोसिस की प्रोसेस। ओके तो हमेशा याद रखिएगा कि वाटर का मूवमेंट हमेशा हाई से लो की तरफ होगा, जिस तरफ वाटर ज्यादा होगा वाटर उधर से दूसरी तरफ मूव करेगा। इट मींस हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं जिनमें सॉल्यूट पार्टिकल्स तो होते हैं कम और वाटर होता है ज्यादा। ओके वाटर ज्यादा होता है और सॉल्यूट कम होते हैं, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो जिधर वाटर ज्यादा होगा तो सेल के वनस्पति हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा है तो वाटर किस तरफ मूव कर जाएगा सेल के अंदर की तरफ। तो हाइपोटोनिक में हमेशा आपको याद रखना है कि सेल के अंदर वाटर एंटर करता है, सेल के अंदर फ्लूइड एंटर करता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से और क्या देखने को मिल सकता है कि सेलुलर एडिमा देखने को मिलता है, इसलिए इनको स्लोली एडमिनिस्टर किया जाता है क्योंकि वाटर एंटर कर रहा है सेल्स में, इसलिए सेलुलर एडिमा देखने को मिलेगा। आइए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए एग्जांपल देख लीजिए। तो एग्जांपल हो गया हाफ नोर या जिसको हम 0.45% सॉल्यूशन जिस कहते हैं नॉर्मल सलाइन, हाफ नोर जिसे कहते हैं ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं जिनका कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड से ज्यादा हो। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इट मींस उसमें सॉल्यूट तो ज्यादा होंगे और वाटर कम होगा, तो इसमें क्या होगा सेल्स में सेल का जो वाटर है वो या सेल का जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ आ जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगी। और इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है फ्लूइड ओवरलोड। हाइपोटोनिक में हमने क्या देखा था सेलुलर एडिमा क्योंकि सेल में फ्लूइड एंटर कर रहा था, और इसमें क्या देखने को मिलता है इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, इस वजह से क्या होगा सर्कुलेटरी ओवरलोड देखने को मिलेगा। ओके तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आपके सामने एग्जांपल है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। 5% डेक्सट्रोज जो है और जो 25% डेक्सट्रोज है, 10% डेक्सट्रोज है, ये इसके सब एग्जांपल्स हैं। आइए तो इनको एक ही इमेज से समझ लेते हैं। जैसे कि आपके सामने इमेज शो हो रहा है उसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन को देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बीच वाली पिक्चर को देखिए, इसमें कोई वाटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है क्योंकि सेल का वाटर अंदर बना हुआ है और सेल के बाहर का फ्लूइड बाहर बना हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों की ऑस्मोलैरिटी इक्वल है। नेक्स्ट देखिए राइट हैंड साइड में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सेल से वाटर बाहर आ रहा है। ये इमेज आपको याद रखनी है, इस एक ही इमेज से आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है तो हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है सेल से फ्लूइड बाहर आ रहा है और हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है सेल में फ्लूइड एंटर कर रहा है, तो सेल एडिमेटस हो रही है, सेल का साइज बड़ा हो रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा फोर्थ सॉल्यूशन है कोलोइड सॉल्यूशंस के बारे में।
also called as plasma expanders. Plasma expander क्या होते हैं? Colloid solutions होते हैं, ठीक है, जो कि plasma का volume expand करते हैं. Pull fluid from the interstitial compartment into the vascular compartment. इनको एडमिनिस्टर करने के बाद इनका वर्क क्या होता है? ये क्या करते हैं? इंट्रास्टिशियल कंपार्टमेंट से वास्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूड को पुल कर लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि इंट्रास्टिशियल कंपार्टमेंट क्या होते हैं? तो इट इज द स्पेस बिटवीन द ब्लड कैपिलरीज एंड सेल्स. एक सेल और ब्लड कैपिलरीज के बीच का जो खाली स्पेस होता है उसे हम इंट्रास्टिशियल स्पेस कहते हैं. वहां जो फ्लूड कलेक्ट होता है उसे कोलोइड सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करने के बाद कोलोइड सॉल्यूशन ब्लड वेस्कुलर कंपार्टमेंट में पुल कर लेते हैं. वेस्कुलर कंपार्टमेंट क्या होते हैं? कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो वेस्कुलर कंपार्टमेंट है. ओके, तो इसमें पुल कर लेती है, तभी तो जो प्लाज्मा एक्सपांड होगा, प्लाज्मा की वॉल्यूम एक्सपांड होगी. ओके, और यूज टू इंक्रीज द वेस्कुलर वॉल्यूम रैपिडली सच एज इन हेमरेज, सीवियर हाइपोवोल्यूमिया. ये किस केसेस में किया जाता है? कि सीवियर टाइप ऑफ हेमरेज, इट मींस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या किसी भी हेमरेजिक कंडीशन जिसमें एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया है, ऐसी कंडीशंस में प्लाज्मा एक्सपांडर्स दिए जाते हैं. और सीवियर हाइपोवोल्यूमिया में, सीवियर हाइपोवोल्यूमिया मींस ब्लड वॉल्यूम डेफिशिएंट हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है? रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है. तो कोलोइड सॉल्यूशन को रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है आईवी कैनुलेशन के थ्रू या आईवी लाइन के थ्रू. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लीजिए. ओके, प्लाज्मा एक्सपांडर्स के एग्जांपल्स. चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारा सेकंड टॉपिक की, आईवी कैनुला या आईवी कैनुलेशन की. इसमें हम प्रोसेस भी देखेंगे कि कैसे ये एडमिनिस्टर किया जाता है, आपको प्रैक्टिकली मैं वीडियो दिखाऊंगा. ओके, उससे पहले देख लेते हैं आईवी कैनुला कलर कोडिंग. आपको कलर याद होने चाहिए एकदम. तो आइए देख लेते हैं, आपके सामने जो इमेज शो हो रही है उसमें 14 गेज का जो है वो है ऑरेंज कलर का, 16 गेज ग्रे कलर, 17 गेज व्हाइट कलर, 18 गेज ग्रीन कलर, 20 गेज पिंक कलर, 22 गेज ब्लू कलर, 24 गेज येलो कलर, एंड एक और होता है जिसमें जो इसमें इमेज नहीं है वो है 24 जो होता है पर्पल कलर का. ओके, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए. नेक्स्ट हम देखते हैं इनका कि इनकी फ्लो रेट कितनी है. देखिए 240 ml पर मिनट ऑरेंज की है, ग्रे वाले की 180 ml, ग्रीन वाले की 90 ml, पिंक की 60 ml, ब्लू की 36 ml, येलो की 20 ml और जो वॉयलेट कलर या पर्पल कलर है उसका है 13 ml. ओके, ये फ्लो रेट हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, आइए तो हम वीडियो देख लेते हैं. वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि कैसे आपको, किस टाइप से आपको प्रैक्टिकली आप एडमिनिस्टर कर सकते हो या इंसर्ट कर सकते हो आईवी कैनुला को. ओके, तो आइए देखते हैं वीडियो. Clean.